लगातार ही धान खरीदी केंद्रों में होने वाली अव्यवस्था और मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नोहटा के धान खरीदी केंद्र में भी एक वीडियो सामने आया है, यह वीडियो वायरल हुआ है इस वास्ते कि इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि किसानों की धान में जहां सर्वेयर के द्वारा, समिति प्रबंधक के द्वारा छन्ना लगाया जाता है, हड़म्बा लगाया जाता है, वहीं व्यापारी की धान सीधे ट्रैक्टर से बोरी के माध्यम से वारदाने में कुड़ेल ली जाती है और सीधे सिलाई करके तौल कर ली जाती है। यह वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप के हालात है, क्योंकि जहां किसानों के लिए हजार तरह के मापदंड बनाए गए हैं, वहीं व्यापारियों की धान कुछ इस तरह से तौली जा रही है। नोहटा के धान उपार्जन केंद्र में बड़ी मात्रा में गड़बड़ झाला की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी यहां पर कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल किसानों की धान खरीदी के मामले में अमानक धान कह करके लौटा दिया जाता है या फिर हड़म्बा तकनीक से उसकी धान को शोधन किया जाता है। वहीं व्यापारियों की धान सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली से बारदाने में उलेड़ करके उसे खरीदा जा रहा है, बोरियों को बंद किया जा रहा है। किसान खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन दबी जुबान से ज़रूर कहते हैं कि इस केंद्र पर व्यापारियों की धान लगातार आ रही है। हालांकि व्यापारियों की धान भी किसानों के पंजीयन पर ही खरीदी जा रही है, क्योंकि शासन की नीति के मुताबिक कोई भी धान बिना पंजीयन के नहीं खरीदी जाएगी। ऐसे में यहां के प्रबंधक हमीर सिंह पर आरोप लगाए जाने के बाद उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से सीधी बोरियों में जो वारदाना है, सरकारी वारदाना है, उनमें धान भरी जा रही है। आप भी देखिए किस तरह का है ये गड़बड़ झाला।